वन्य जीवों की दुनिया बहुत ही विचित्र है और इसी को ध्यान में रखकर जिम कॉर्बेट म्यूजियम की स्थापना की गई। जिम कॉर्बेट म्यूजियम धनगढ़ी रामनगर उत्तराखंड में स्थित है। यहीं से ही ठिकाला जाने के लिए भी रास्ता है। ये म्यूजियम जिम कॉर्बेट को डेडिकेटेड है। जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े शिकारी थे। इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया, जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे। म्यूजियम के प्रवेश द्वार से ही एक अजीब सी दुनिया में हम विचरण करना शुरू कर देते हैं। जिम कॉर्बेट का ताल्लुक आयरलैंड से था, वो आयरिश थे और उन्होंने एनिमल किंगडम यानी वन्य जीवों के लिए बहुत कुछ किया। वो बहुत ही सुघड़ शिकारी भी थे। टाइगर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। इस म्यूजियम में भी आपको बहुत से टाइगर्स दिखाई देंगे जो वास्तव में सजीव लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उनका शिकार या तो इसलिए किया गया कि वो मैन ईटर्स हो गए थे, या जंगल में जंगली जानवरों के साथ मुठभेड़ में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जिम कॉर्बेट बहुत उम्दा लेखक भी थे। उन्होंने मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं और माई इंडिया नामक पुस्तकें भी लिखी, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। नदियां वन्य जीवों के लिए लाइफ लाइन का काम करती हैं और इसी तरह साल के वन वन्य जीवों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जिम कॉर्बेट म्यूजियम में हम विभिन्न तरह के टाइगर्स देख सकते हैं और जिन्हें देखकर हम सच में विस्मित हो जाते हैं। इस म्यूजियम का टिकट बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप रामनगर में हैं या रामनगर के आसपास हैं तो जिम कॉर्बेट म्यूजियम देखना ना भूलें। सच में अगर आप इस म्यूजियम को देख पाते हैं तो यकीनन आप वाइल्ड लाइफ की सैर कर सकते हैं।